दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स छोटा चौक नाहन। मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू लोगों के घरों में पहुंचाने वाले मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए खरीदने को लेकर बाजारों में अब ग्राहक कम ही नजर आ रहे हैं। करवा चौथ का व्रत बुधवार को है, इसके बाद दीपावली व भाई दूज के साथ साथ धनतेरस को लेकर लोग बाजारों में घूम रहे हैं, लेकिन नाहन शहर के गिने चुने कुम्हार परिवार की आंखें ग्राहकों को ढूंढती रहती हैं। नाहन शहर के बड़ा चौक में कुम्हारों द्वारा मिट्टी के आकर्षक बर्तन, दिए और अन्य सामान सजाया गया है, परंतु गिना चुना ग्राहक ही मिट्टी के बर्तन और दिए खरीदने पहुंच रहा है। भले ही चाइनीज उत्पाद बाजार में इस वर्ष कम दिख रहे हों, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए और अन्य सामान खरीदने के लिए ग्राहक स्टॉल पर कम ही रुकता है। ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े कुम्हार परिवार के व्यवसाय पर संकट मंडरा गया है। स्थानीय कुम्हार व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो मिट्टी के बर्तनों, दिए और अन्य सामान पर संकट आ सकता है। अभी कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली तक उनके व्यवसाय को जरूर पंख लगेंगे। भाई आप बताएं, जैसे गड़बड़े हैं, दीपावली आ रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह है मिट्टी के दियों को लेकर, मिट्टी के बर्तनों को लेकर? है इस बार उत्साह कोई? बहुत कम है। अच्छा, पहले दर्शा बहुत कम, इस बार कम है, कहा की बहुत कम है। रेट वही है या रेट भी इंक्रीज हुए हैं? रेट बहुत कम है, रेट भी साल से कम है। भाई आप बताएं, आज गड़बड़े हैं और दीपावली आ रही है, मिट्टी के बर्तनों को और दियो को लेकर रुझान है लोगों में खरीदने का? सर रुझान तो तब होगा, पब्लिक भी बहुत कम है इस टाइम शहर के अंदर ना जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है देहात के ऊपर के पहाड़ के है ना जी, किराएदार वगैरह। अच्छा, इस टाइम है नहीं पब्लिक यहाँ पे, उसकी वजह से रुझान भी नहीं है, लोग कम आ रहे हैं, खरीदार भी कम आ रहे हैं, मार्केट में रश भी है ना जी, उसकी वजह से रुझान भी नहीं होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।